चांदनी किला का स्वाह हो रही है। लंका के लोग भूख से तड़प रहे हैं। लंका के सड़कों पर अराजकता का माहौल है। प्रेसिडेंट गोटबाया लंका छोड़कर भाग गए हैं। अब लंका किसके हवाले? क्या लंका दहन होकर रहेगा? एक तरफ वो लंका जो बेहद खूबसूरत थी, दूसरी तरफ वो लंका जहां तबाही और बर्बादी है। आज लंका ऐसे हाल में जा पहुंची है। एक वो लंका थी जहां सैलानी घूमने जाते थे, एक ये लंका जहां सड़कों पर संग्राम है। ऐसी एक दो तस्वीरें नहीं है, बल्कि पूरे श्रीलंका में इसी तरह का राज है। कोलंबो में इस तरह की तस्वीरें पिछले 3 महीने से रोज आ रही हैं, जब पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत होती है। लेकिन 2 दफा ऐसी तस्वीरें आई जिसने बता दिया कि श्रीलंका में अब न सियासत बची है न शासन, अब पूरी तरह से अराजकता का राज है। As you can see, the protesters who've been here since this morning have finally stormed into the president's house in court, and they are now marching. They are trying to storm into the president's house. पहली तस्वीरें प्रेसिडेंट हाउस से है, जब लोग राष्ट्रपति भवन में जा घुसे। कोई स्विमिंग पूल में था, कोई राजशाही वाले बिस्तर पर आराम फरमा रहा था, तो कोई कैरम खेल रहा था, कोई प्रेसिडेंट हाउस से सेल्फी ले रहा था। इसी तरह अब प्राइम मिनिस्टर हाउस पर भी लोगों ने कब्जा जमा लिया, बैरिकेड गेट सब तोड़ डाले और प्रधानमंत्री सरकारी आवास में जा घुसे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी बंदूक की नाल को नीचे कर लिया। बताया जा रहा है कि श्रीलंका की सेना भी गोटबाया के कारनामे से आक्रोशित है। Police National Party's parliamentary group have decided to submit a motion to our parliament, the Majlis, to clarify how the government of Maldives has acted in bringing President Gotabaya Rajapaksa to Maldives. I think this is a very good action. Personally, and as a former foreign minister, I am very concerned with the current situation. We all know that Sri Lanka is in a crisis economically as well as politically. People are barely surviving without jobs, food, there's no fuel. In such a situation, I believe Maldives should also respect the wishes of the Sri Lankan people, and they have been working to change this government, and I think this is something that we need to be sensitive about. सवाल एक, श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी लगी है, आगे क्या होगा? क्या लंका बर्बाद हो जाएगा? पीएम हाउस पार्लियामेंट में जब लोग घुसे तो जीत का जश्न मनाया गया, गाना बजाना हुआ। इसके अलावा सरकारी चैनल पर भी लोगों ने कब्जा जमा लिया। हालात कितने बद से बदतर होते चले गए, इसका अंदाजा इस तस्वीर से हो जाता है कि सरकारी चैनल में एक प्रदर्शनकारी न्यूज एंकर बन गया और लाइव टेलीकास्ट में अपने मन की बात करने लगा। थोड़ी देर में ही प्रसारण रोक दिया गया। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हालांकि गोटबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी लगा दी है और पुलिस से कहा है कि किसी भी तरह से हालात काबू करें। इस दौरान सभी दलों की मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें हालात सुधारने पर मंथन हुआ, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। इतने बड़े संकट की मुख्य वजह क्या रही? आखिर श्रीलंका सरकार क्यों नहीं जाती, जबकि संकेत कई महीनों पहले से मिल रहे थे? अब लंका पूरी तरह से बदल गई है। गोटबाया ने अपनी जेब भरने के लिए ऐसी गोटी बिठाई कि लंका में आग लग गई। गोटबाया तो चोरी छिपे देश छोड़कर भाग गया, लेकिन पीछे पूरी लंका जलने लगी। लोग तड़पने लगे, रोटी के लिए तरसने लगे, हालात बेकाबू होते चले गए। हालांकि फिर से इमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन लोग सुरक्षा बलों के सामने डटे हुए हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बल के जवान भी
भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर उन्होंने लंका की हालात संभालने के लिए क्या किया और कैसे लंका को तबाही के दरवाजे तक लाने वाला गोटबाया देश छोड़कर भाग गया। अब सवाल उठ रहा है, लंका का क्या होगा? क्या इसी तरह लंका जलती रहेगी या कोई रास्ता निकलेगा जिससे लंका में फिर से अमन चैन होगा? रिपब्लिक इंडिया की टैक्स रिपोर्ट।